नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही वो अभी तक की बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। प्रदेश में चुनाव अब नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस ने अपने कुनबे को और अधिक मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के पदाधिकारी लगातार लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की संस्तुति पर दानिश कुरैशी को प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के महानगर अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। पूर्व विधायक राजकुमार के कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजकुमार ने महानगर अध्यक्ष दानिश कुरैशी को बधाई दी, साथ ही काफी संख्या में युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता भी दिलाई। इस मौके पर राजकुमार ने कहा कि लोगों का आज भाजपा से मोह भंग हो गया और भारी संख्या में लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। राजकुमार ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो भी कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में चलाई थी उन्हें बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया। वहीं बीजेपी ने समाज कल्याण विभाग, मलिन बस्तियों और अनुसूचित जाति से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं को चलाने का जो वायदा किया था वो भी आज सभी ठप पड़ी है। अब आने वाले समय में ये युवा इन सभी योजनाओं को दोबारा से चलाने में कांग्रेस का सहयोग करेंगे, साथ ही कांग्रेस को मजबूत करेंगे। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष दानिश कुरैशी ने कहा कि आज जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उस पर वे तन मन से कार्य कर कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट। आज मुझे मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है पार्टी को। मैंने बहुत काफ़ी 10 वर्षों का मुझे एक्सपीरियंस है कांग्रेस पार्टी में काम करने का। मैं अपने हमारे पूर्व विधायक राजकुमार जी, राजपुर रोड राजकुमार जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष अशोक वर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ताहिर अली जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ इस पद को, पूरे महानगर को साथ लेकर चलूँगा और पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य करूँगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष ताहिर भाई का धन्यवाद करूँगा, इन्होंने हमारे दानिश भाई को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का महानगर अध्यक्ष बनाया है। आप बधाई के पात्र हैं। दानिश भाई के बन जाने से महानगर में 100 वार्ड आते हैं उनमें बढ़ोतरी होगी और कांग्रेस को मजबूत करने का जो भी नीति कांग्रेस की है उसको आगे बढ़ाने का दानिश भाई काम करेंगे। इसके साथ साथ जो योजनाएँ भारतीय जनता पार्टी ने रोकी हुई अल्पसंख्यक आयोग की उनको बढ़ाने का भी काम करेंगे और बहुत मिलजुल कर उम्मीद के साथ सबको लेकर साथ चलने का भी काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।